काम करने की। तुम्हारा करते रहो, इसका देखना ही, तुम तुम्हारा काम करो, मैं वो तो घूमता रहूं। लेवलिंग कौन सी धार? हाँ, ये ऑल इन वन मशीन में बेवलिंग तैयार हो रहा है। बेवलिंग पॉलिश में पहले डार्क कर दिया है, फिर ग्राइंडिंग व्हीलों से। अभी दो व्हील रेजिन के लगा के उसका स्मूथिंग हो रहा है। ये ट्रायल डेमो ग्लास है, इसलिए एक साइड का टूटा हुआ है। इसमें तीनों टाइप किया है, 12 mm ग्लास है। मशीन में तुरंत ग्लास वैक्यूम से पकड़ के सरकाना होता है ताकि रबर पे परफेक्ट करके काम करें। इसका स्पीड लेवलिंग है तो ये वेरिएबल स्पीड है, जितना जरूर है इतना करता है। ये सेमी ऑटोमेटिक है, CNC रेल पे काम करता है। तो आप देख रहे हैं कि ये 12 mm के ग्लास का लेवल स्मूथ, यानी डायमंड के बाद वाला जो स्मूथिंग होता है, फिनिश वो हो रहा है। इसके बाद फिर पॉलिश भी लगाओ, या फिर आप बार पॉलिश खोल सकते हो। ज़्यादा पतला ग्लास हो तो इस पर ज़्यादा वजन नहीं दे सकते। इसी तरह आप डार्क पॉलिश, पेंसिल एज सब सीधा काम कर सकते हो। और ये प्लेट पर आप दूसरी प्लेट एक देने पे तो रोलर वाला बन जाता है टेबल। तो हाथ से घुमा के आप डार्क पॉलिश, पेंसिल, ये सब काम अनइवन शेप यानी राउंड शेप, कैप्सूल, ओवल, इन सब का भी कर सकते। जनरली बेवलिंग में स्पीड कम होता है, इसलिए ये टेबल स्लो घूम रहा है। यू कैन सी दिस इज द बेवलिंग टू डिफरेंट व्हील। आफ्टर डायमंड व्हील वी अप्लाई सेकंड टू व्हील फॉर रेजिन एंड इट विल गिव स्मूथ नेस ऑफ ग्लास। फर्स्ट बेवल विथ डायमंड व्हील एंड देन स्मूथिंग विथ रेजिन व्हील। सो दिस इज 30 mm बेवलिंग, स्ट्रेट बेवलिंग ऑन 12 mm ग्लास। एज पर दिस यू कैन पुट ग्लास फॉर 6 mm, 8 mm, 12 mm मिरर एंड यू कैन मेक बेवलिंग एज सून एज वेल एज पॉलिश, सी पॉलिश, वॉट एवर यू वॉन्ट। यू हैव टू चेंज द व्हील। यू कैन सी दिस इज द सेकंड टू व्हील्स अप्लाई एंड बेवल चप्पली 30 mm एंड ऑन द सेम प्लेट यू हैव टू फिक्स अनदर प्लेट फॉर शेप ग्लास जस्ट लाइक ओवल, कैप्सूल, राउंड। दिस टाइप ऑफ ऑल ग्लास प्रोसेस यू कैन डू विथ डिफरेंट डिफरेंट टाइप शेप्स ऑन द सेम मशीन। तो आप देखा कि 30 mm यानी 1.5 inch का भी बेवलिंग आप इस पर कर सकते हो। और इसके बाद ये वापस जाता है, ये वेरिएबल स्पीड है तो स्पीड बढ़ा के आप वापस ले सकते हो और जो प्रोसेस करना है वो हिसाब से इसको स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हो। और इसी टेबल पर आप दूसरी प्लेट लगा के कोई भी राउंड ओवल शेप का एज पॉलिश बेवलिंग हाथ से घुमा के कर सकते हो। ज़्यादातर एज पॉलिश पेंसिल एज होता है, बेवलिंग स्ट्रेट लाइन का ही होता है। ये CNC टाइप सेमी ऑटोमेटिक 14 feet लंबा, जिस पर आप 6-7 feet का ग्लास का प्रोसेस कर सकते हो। सेमी ऑटोमेटिक मशीन है ये, यहाँ प्रोसेस इस तरह से होता है। ये सपोर्ट का भी लगा दो, सपोर्ट लगाना है तो टेढ़े से ही।
वहाँ सटाते थे, लाश वहाँ सटा के नहीं रखते। नाउ दिस इज एज पॉलिशिंग विथ टू डायमंड व्हील, आफ्टर दैट टू पॉलिश विल यू हैव टू अप्लाई। ये डार्क पॉलिश 12 mm का ग्लास का दो व्हील लग रहा है डायमंड का, उसके बाद सीधा पॉलिश व्हील लगाना होता है। तो ये 12 mm के ग्लास का डार्क पॉलिश आप देख रहे हैं। ये बड़ा ग्लास हो इसके लिए यहाँ पर पैकिंग दिया ताकि वो प्रेशर सही रहे। अभी हम उसको खोल के दिखाते हैं डार्क पॉलिश का। इसी तरह दो व्हील बदल के फिर पॉलिश करना होता है। वैक्यूम से आप ग्लास को सरका के उठा सकते हो। ये आगे हो गया था वो है, और अभी ये अभी जो हुआ इस तरह से धार पॉलिश होता है। इसी तरह फैंसी रेंज होता है, चारों धार इस तरह में। यू कैन सी दिस इज द 12 mm ग्लास एज प्रोसेसिंग विथ टू स्पेशल व्हील एंड देन रिमूव दैट टू व्हील आफ्टर ऑल ग्लास प्रोसेसिंग देन फिक्स द टू पॉलिशिंग इन सेम पोजीशन सो यू इट कैन मेक पॉलिश राइट। नाउ वी विल शो यू पेंसिल सी पॉलिश हाफ राउंड टू राउंड इन द सेम मशीन। दिस मशीन कैन डू एजिंग बेवलिंग सी पॉलिश फॉर स्ट्रेट ग्लास सेम ग्लास। ये आपको धार पॉलिश 12 mm करके दिखाई। इसी तरह व्हील चेंज करने पर 6, 8, 12 mm कोई भी ग्लास होता है, और इसके बाद आप पेंसिल के भी व्हील डालो पेंसिल होता है। इसी मशीन से धार पॉलिश पेंसिल बेवलिंग सीधे ग्लास का और सेम ग्लास का भी काम होता है। वैक्यूम से ग्लास को सरकाया खींचा जाता है, और लंबे ग्लास होने पर डायरेक्ट प्रेशर आता है। छोटा मोटा ग्लास हो तो एडिशन प्रेशर देके सेट किया जाता है। नाउ वी आर गोइंग टू शो यू 12 mm पेंसिल एज सी पॉलिश ऑन स्ट्रेट लाइन। अभी हम आपको 12 mm पेंसिल का डेमो दे रहे। ये एसके एंटरप्राइज का 14 feet का CNC टाइप रेल पर बना हुआ स्लाइडिंग सेमी ऑटोमेटिक मशीन, वेरिएबल स्पीड, डिजिटल पैनल बोर्ड, अपग्रेड मशीन, सेमी ऑटोमेटिकली। ये डेमो है, छोटा क्लास है तो यहाँ पर एक स्पेयर प्रेशर के लिए एक्स्ट्रा पीस रखना है, बाद में बड़ा है तो प्रेशर ले लेता है। अभी इस तरह से दो मोटर पर ये पॉलिश हो रहा है, पहले दो मोटर पर इसका ग्राइंडिंग करना होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेक ग्राइंडिंग ऑन टू मोटर टू डायमंड व्हील, देन आफ्टर दैट अप्लाई टू पॉलिश व्हील सेम पॉलिश व्हील विथ अ शेप ऑफ सेम ग्लास थिकनेस। तो दिस इज 12 mm, तो वी आर अप्लाइंग 12 mm पॉलिश व्हील। Now you can see that after polishing on 12 mm C glass, now it's a complete half round C polish. पूरा घुमा यू कैन सी इन अ लाइट। इट्स अ कंप्लीट हाफ राउंड एज पर बेवलिंग सी पॉलिश एंड इट्स अ डार पॉलिश ऊपर से आप लोगों को। सो ऑन दिस डेमो पीस वी आर डूइंग 3
works on the same machine with changing wheels semi automatically. ये सेम मशीन पर एक लास्ट डेमो पर हमने डार्क पॉलिश पेंसिल और बेवलिंग सारा काम करके डेमो दिखाया है. इसी तरह कोई भी क्लास में आप व्हील चेंज करके काम कर सकते हैं. ये मैक्सिमम 14 फीट या 4 मीटर की रेल पे बना हुआ मशीन है. इसमें साइज कम हो सकती है, इससे बड़ा नहीं हो सकता. तो इस पर मोटा मोटी आप 6 से 7 फुट का ग्लास का डार्क पॉलिश पेंसिल कर सकते हो. और इसी मशीन पर ये प्लेट पे दूसरी एक प्लेट बॉल टाइप रोलर वाली लगा के हैंड प्रोसेस से दूसरे शेप के राउंड ओवल कैप्सूल वेव इस तरह के ग्लास का आप एक प्रोसेस कर सकते हो सेम स्टाइल पर बट हाथ से घुमा.